بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ متقین کی صفات کیا ہے. تو قرآن کریم نے متقین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا وصف بیان کیا کہ متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اعتقادات، اس کا عقیدہ وہ درست ہوتا ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ بنیاد ہے، اس پر جتنی خوبصورت عمارت قائم کرو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور اگر عقیدہ درست ہے، اس پر اعمال کی کمزور عمارت ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی نجات کی امید ہے. لیکن عقیدہ ہی نہیں تو عقیدے میں سب سے پہلی چیز آ گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر، اس کے اسماء اور اس کی صفات پر غیر متزلزل یقین، غیر متزلزل ایمان. لہذا یہ سب سے اہم ترین چیز کہ اس کی الوہیت میں کہ وہ الہ ہے، اس کی ربوبیت میں کہ وہ پالنے والا ہے، اور اس کے اسماء اور صفات کہ وہ ہر جگہ موجود، ہر ایک کو دیکھنے والا، ہر ایک کی بگڑی سنوارنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، خیر و شر عطا کرنے والا. یہ ساری کی ساری، سارے کے سارے وصف میرے اللہ کے لیے ہیں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جب بندے کا جوڑ اس طرح کا پڑ جاتا ہے تو بندہ پھر ایک قوت کے طور پر سامنے ابھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو قوی سمجھتا ہے. پھر دوسرا فرمایا والیوم الآخر، آخرت پر ایمان. آج دو طرح کے گروہ پیدا ہو گئے، ایک اس ملک کے اندر ایک ایسا طبقہ جنم لے رہا ہے جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، جو اللہ کے وجود کا منکر ہے. اور یہ طبقہ ہمارے نوجوانوں میں بالاسف الشدید بڑھتا جا رہا ہے. اور آج اگر دنیا میں دیکھا جائے تو دنیا کی جو اس وقت جنگ شروع ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا جنگ ہے، تو بنیادی طور پر یہاں بھی دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے وجود کو ماننے والا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ کے وجود کا منکر ہے.
वो शैतानी कुव्वतें हैं जो अल्लाह के वजूद का इनकार कर रही हैं। लिहाजा शैतानी कुव्वतों का और उन कुव्वतों का कि जो अल्लाह के वजूद को मानने वाले हैं, आज पूरी दुनिया में ये एक आलमी जंग है जिस जंग के अंदर आज हम सारे के सारे कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा यहां पर बयान कर दिया कि अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर यकीन। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का एक मुल्हिद के साथ मुनाजरा हुआ, वो अल्लाह के वजूद का मुनकिर था। तो इमाम साहब मुनाजरे के दिन चंद मिनट ताखीर से आए, तो उसने बड़ा शोर मचाया कि ये है तुम्हारा इमाम जो वक़्त पे नहीं आ सका। तो ये वक़्त पे नहीं आया और जनाब जो है वो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इमाम साहब आए तो पूछा क्यों नहीं आए। कहा भाई मैं दरिया के किनारे पहुँचा तो कश्ती नहीं थी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो अचानक मैंने देखा कि एक दरख्त चुपचाप गिर गया, फिर वो दरख्त चिरने लगा, फिर उसके तख्ते निकल गए। तख्ते निकलने के बाद फिर मैंने देखा कि वो जो दरख्त है वो तख्ते जुड़ना शुरू हो गए, वो फिर कश्ती बन गई और फिर वो कश्ती दरिया के अंदर आ गई। मैं उस कश्ती पे बैठा तो कश्ती चलने लगी, उसने दरिया उबूर कर दिया। कहने लगा भाई आप लोग तो बड़े कहते थे कि ये कोई बड़ा आलिम आदमी है, कभी तुम लोगों ने देखा है कि बगैर किसी के चीरने के दरख्त चिरा हो? लोगों ने कहा नहीं जी। कहा कभी देखा है कि बगैर किसी के काटने के तख्ता बनाओ, चीरने के तख्ता बनाओ? कहा नहीं जी। कहा कभी देखा है तुमने कि किसी के बनाने के बगैर कश्ती जो है वो बनाई गई हो? कहा नहीं जी। कभी ये देखा है कि मल्लाह के बगैर कश्ती चलनी शुरू हो गई हो? कहा नहीं जी। कहा ये तुम्हारा इमाम ये कुछ कह रहा है? तो इमाम साहब ने कहा कि हाँ ये बातें तुम भी तस्लीम करते हो? कहा हाँ। कहा अगर एक दरख्त बगैर काटने वाले के नहीं कट सकता है, अगर जो है वो लकड़ी किसी के चीरने के बगैर नहीं चीर सकती, किसी के बनाने के बगैर कश्ती नहीं बन सकती और किसी के चलाने के बगैर कश्ती नहीं चल सकती, तो ये कायनात का इतना बड़ा निजाम किसी के बनाने के बगैर बन गया? ये कायनात का इतना बड़ा निजाम किसी के बनाने के बगैर बन गया? कोई है ही नहीं कि जो इसको चला रहा हो। बस दलाइल खत्म। फबुहित अल्लज़ी कफर, कहने का मतलब यह कि आज भी वो जहन पैदा किया जा रहा है जो अल्लाह के मुनकरीन का जहन, अल्लाह के वजूद का इनकार करने वाले। लिहाजा पहला ईमान का जीना यह है कि अल्लाह की जात पर गैर मुतजलजल यकीन, वल आखिरा और आखिरत पर यकीन। हालांकि होना तो यह चाहिए कि अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान, और ईमान जब कलमा पढ़ते हैं तो यही होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की उलूहियत का तज़करा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रसालत का पर ईमान। लेकिन यहां पर फरमाया आमनर रसूल ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر। अल्लाह पर ईमान और आखरत पर ईमान। इसकी वजह यह है कि ना आंखों से अल्लाह नजर आता है ना आंखों से आखरत नजर आती है। लिहाजा जो चीज मुशाहदे में नहीं हो उस पर ईमान लाना ज्यादा मुश्किल है। तो लिहाजा अल्लाह की जात पर ईमान आएगा कि अल्लाह है, तो फिर वही अल्लाह कहता है कि आखिरत भी है। पहला जीना ये कि अल्लाह है, और दूसरा ये कि जब अल्लाह है तो फिर आखिरत भी है।
और जहां कुरान करीम ने, आप कुरान का मुताला करें, तौहीद का तज़करा किया, जहां कुरान ने तौहीद का तज़करा किया वहां आखिरत का जिक्र किया, जहां तौहीद नजर आ रही है वहां आपको आखिरत नजर आ रही है। और फिर यहां पर भी आप देखो कि तीनों चीजें मस्तूर हैं, अल्लाह का वजूद, अल्लाह की जात, आखिरत और मलाइका, किताब उसके बाद, नबी उसके बाद, इसलिए कि किताब भी नजर आ रही है, नबी भी नजर आ रहा है। इंसानों ने नबी को देखा है, इंसानों ने वही को उतरते हुए देखा है, इंसानों ने तौरात ज़बूर इंजील को भी देखा है, उसके आते हुए देखा है, कुरान को उतरते हुए सहाबा की एक बहुत बड़ी तादाद जिन्होंने कुरान को उतरते हुए देखा, जिन्होंने नबी को कुरान पढ़ते हुए देखा, 1,24,000 अस्हाब मुस्तफा ने अपनी आंखों से मुस्तफा की जियारत की है। लिहाजा यहां पर जो चीजें मस्तूर थी उनका तज़करा बाद में, उनका तज़करा पहले, जो पोशीदा थी, और जिनका तज़करा जो सामने आई उनका जिक्र आखिर में। फरमाया ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة کہ آخرت پر ایمان، جو جو تفصیلات آخرت کے لیے قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان پر ایمان، اور جہاں اجمال ہے اس پر ایمان، جہاں تفصیل ہے تفصیل پر ایمان، جہاں اجمال ہے اجمال پر ایمان، और मलाइका के लिए जिन मलाइका के अस्मा मौजूद हैं उन अस्मा पर ईमान, जिनका तज़करा तफसील से है उनका तफसील से ईमान, और जिनका इजमालन है उनका इजमालन ईमान। अब इसके बाद आ गया वल किताबी वन नबीयीन, कि जितनी आसमानी किताबें उतरी हैं उन किताबों पर ईमान, अंबिया पर ईमान। याद रखो, मैं एक मर्तबा सफर पे था तो मेरे साथ एक किसी एयरलाइन का पायलट बैठा था, तो मैंने उससे पूछा तो पता चला ईसाई है। फिर मैंने सोचा कि ईसाई भी ऐसे हैं कि जो अल्लाह के वजूद को ही नहीं मानते, ऐसे बस अपने आप को क्रिश्चियन कहते। पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह के वजूद को भी मानता है, आखिरत को भी मानता है। फिर क्रिश्चियनिटी के हवाले से, ईसाइयत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बात करते रहे करते रहे। जब थोड़ी हमारे दरमियान बेतकल्लुफी बन गई तो मैंने उसको एक सवाल कर दिया। मैंने कहा कि हम मुसलमान, आपकी क्या राय है नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग और सोच के लिए। उसने कहा नेगेटिव तो नेगेटिव है, कभी भी पसंद नहीं करते, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। जब इस पे पूरी तरह बात हो गई तो मैंने कहा कि अगर मैं ये दावा करूं कि मुसलमान हम पॉजिटिव हैं और आप क्रिश्चियन नेगेटिव हैं, तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे कहने लगा नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया जो अरल तुसा मचाया हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं, सब्र से। तो कहने लगा कैसे है। मैंने कहा देखो कि आप सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानते हो। कहा जी, लेकिन हमारे नबी को नबी नहीं मानते, तो आप नेगेटिव हो गए।
और हमारा नबी उस वक्त हमें उस वक्त तक अपना उम्मती नहीं मानता जब तक कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी ना माने। हमारा नबी उस वक्त तक हमें अपना उम्मती नहीं मानता जब तक कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी ना माने। आप अपने को मानते हैं, हमारे वाले को नहीं मानते। बड़ा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नबी अलैहिस्सलाम को उनको भी मानता हूं। तो मैंने कहा, जब आप मानते हैं, क्या मानते हैं? होली प्रॉफिट का जी, पैगंबर मानते हैं। तो मैंने कहा, जब पैगंबर मानते हैं तो पैगंबर सच्चा होता है? काजी, बिल्कुल सच्चा होता है। सच्चा पैगंबर कहता है कि ईसा की शरीयत कैंसल हो गई, तो अब अगर नबी मानते हो तो फिर उसकी बात भी मानो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यकीन माने, कहने लगा कि मैं बहुत इस पर जो है वो डीपली स्टडी करूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शायद यही हमारी सिटिंग मेरे इस्लाम में आने का जरिया बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जात पर ईमान लाना आज एक बड़ा अहम मसला है, और वो कादियानी ये कहते हैं, कि हम नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, इमामुल अंबिया को नबी मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं खातमुन नबीयीन मानते हैं, फिर भी आप लोग हमें मुसलमान नहीं कहते हो। हम उनको नबी मानते हैं, खातमुन नबीयीन मानते हैं, लेकिन खातम का तर्जमा पता है क्या करते हैं उस्ताद? ये आम लोग तो समझते हैं, देखो जी खातमुन नबीयीन भी कहते हैं। वो खातम का तर्जमा ये कहते हैं कि ये जिस तरह हम कहते हैं कि फलां आदमी पर तकरीर खत्म है, फलां पर लिखना खत्म है, फलां पर बोलना खत्म है, यानी इस जैसा कोई और खतीब नहीं, इस जैसा कोई अदीब नहीं, इस जैसा कोई तबीब नहीं, तो खातम का माना ये लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में कोई नहीं आया अला यासु बिल्ला। मैंने कहा, बदबख्तो, अगर सिर्फ यही होता कि खातमुन नबीयीन आपका एजाज होता तो फिर आपने बाद में कह दिया ला नबीया बादी, कि मेरे बाद नबी आ ही नहीं सकता। तो लिहाजा वो कहते हैं कि जी हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानते हैं, फिर भी आप हमें काफिर कहते हैं। तो उसके लिए याद रखना एक बड़ी माकूल बात, और वो ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इसे समझ के बड़े गौर से सुनना, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन लोगों ने माना, ईमान लाया, उनको क्या कहते हैं? हाँ, यहूदी। हजरत मूसा को मानने वाले उनको यहूदी कहते हैं। अब वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अब अगर मूसा को मानने वाला हजरत ईसा को नबी मानता है, उन पर ईमान लाता है, तो उसे क्या कहेंगे? ईसाई। उसे कोई यहूदी कहेगा? नहीं कहेगा। उसे कोई यहूदी नहीं कहेगा। मानता मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को था, यहूदी था, लेकिन ईसा को माना तो नबी के मानने की वजह से, नए नबी के आने की वजह से उसकी शिनाख्त ही बदल गई। दीन ईसवी पे रहा, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानता रहा, साबका अंबिया को नबी माना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आया। अब उसको क्या कहेंगे? मुसलमान। अब कोई बंदा कहेगा ये ईसाई है? हैं? कोई कहेगा ईसाई है? क्यों? इसलिए कि जब वो ईसा को मानता था, बाद में नबी नहीं था, ईसाई था, बाद में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मान लिया,
अब वो ईसाई नहीं रहा, अब मुसलमान बन गया। तो इसी तरह जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी और को नबी मानेगा वो कादियानी तो हो सकता है, वो कुछ और तो हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अगर ईसाई मूसा को मानने वाला ईसा पर ईमान ले आया तो वो यहूदी नहीं रहा, ईसाई मुस्तफा पर ईमान ले आया तो वो ईसाई नहीं रहा। इसी तरह नबी पर ईमान लाने के बाद किसी और को मानेगा तो वो कादियानी होगा, जिंदीक होगा, काफिर होगा, कुछ और होगा, नबी वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो गुजारिश कर रहा था ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, ये ईमानियात, एतकादात, ये सबसे पहली बुनियाद है तकवे के लिए, बुजुर्गी के लिए, विलायत के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद गुफ्तगू।